YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो वही हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने सर्किट हाउस में संपर्क फॉर समर्थन अभियान के समापन अवसर पर कहा कि प्रदेश में 5 जिलों में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है और 15 अगस्त से पहले 3 और जिलों के गांवों और शहरों में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जाएगी। कृष्ण कुमार बेदी ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन, राष्ट्रीय राजमार्ग की मजबूती और बढ़ोतरी के लिए योजना उज्ज्वला योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन, जल संरक्षण के लिए 13,000 गांवों में परियोजनाओं को लागू करना और किसानों को यूरिया और डीएपी खाद कम रेट पर उपलब्ध करवाना, किसानों को फसलों का लाभदायक मूल्य देने के लिए भावांतर जैसी योजनाओं को लागू करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में एक ही दिन में किसानों को 1,098 करोड़ का मुआवजा देना, गन्ना उत्पादकों को देश में सबसे ज्यादा रेट देना और किसानों का बकाया भुगतान करवाने का काम किया है।